आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू, कर्तत्व रश्मि, ऐतिहासिक संथारी, तेरा पंथ धर्म संघ त्याग तपस्या की मजबूत नींव पर खड़ा है। संघ के तपस्वी साधु साध्वियों ने इसे गहराई और ऊंचाई दोनों दी है। तेरा पंथ के आचार्यों की प्रखर पुण्यवता से संघ में ऐसे आत्मबली और मनोबली तपस्वी संत साध्विया प्रकट होते रहे हैं, जिससे संघ की तेजस्विता निरंतर प्रवर्धमान रही है। साध्वी प्रमुखा श्री जी का जैन विश्व भारती में वार्षिक प्रवास अनेक उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा। उनमें एक महती उपलब्धि रही साध्वियों के श्रृंखलाबंद प्रभावक संथारे। यशस्वी अनशन साध्वी श्री जसू जी का 28 दिन का संलेखना संथारा। साध्वी श्री जसू जी नौहर एक संघ निष्ठ तत्व रुचि वाली साध्वी थी। प्रज्ञा चक्षु होने के कारण पिछले कई वर्षों से लाडनू सेवा केंद्र में स्थिर वासी थी। वे पक्षाघात से आक्रांत हो गई, वेदना को संभाव से सहा, तपस्या शुरू की। 22वें दिन प्रवर्धमान परिणामों से साध्वी प्रमुखा जी से आजीवन तिविहार संथारा स्वीकार किया। जब साध्वी प्रमुखा श्री जी उन्हें दर्शन देने पधारती तब कहती, मुझे अमृत पिलाओ। उनके हाथ से जल की घूंट लेती, गुणानुवाद कर संघ भक्ति, गुरु भक्ति और आत्मनिष्ठा अभिव्यक्त करती। 11 मई 1999 दोपहर 1 बजे विशेष गड़बड़ हुई। सूचना मिलते ही साध्वी प्रमुखा श्री जी जेठ माह की आग उगलती दोपहरी में सेवा केंद्र पधारी। अंतिम आराधना कराई, महाश्रमणी जी से शरण सूत्र सुनते सुनते 11 मई 1999 दोपहर 1:30 पर उनका 28 दिन का संलेखना संथारा संपन्न हुआ। साध्वी प्रमोद श्री जी का प्रयाण, 3 दिन का चौविहार तप, 1 दिन का चौविहार संथारा। साध्वी श्री प्रमोद श्री जी बिदासर के लिंगा परिवार व परिहारा के सुराणा परिवार से संबंध थी। वे आचारनिष्ठ, सहिष्णु एवं कलाकार साध्वी थी। पिछले कई वर्षों से वे लाडनू सेवा केंद्र में स्थिर वास कर रही थी। द्वितीय ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन उन्होंने अपने निजी कार्य, वस्त्र प्रक्षालन, परिहार्य उपकरण संभालना आदि संपन्न किए अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर ली। दूसरे दिन साध्वी प्रमुखा श्री जी खमत खामना करने मूल ठिकाने वृद्ध सेवा केंद्र पधारी। साध्वी श्री प्रमोद श्री जी ने कहा, कृपा कर मुझे चौविहार संथारा पचका दे। आपने कहा, ऐसे संथारा पचकाया जाता है क्या? आप स्वस्थ हैं, खाती पीती हैं, सब काम करती हैं। प्रमोद श्री जी ने कहा, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना है। उस दिन उन्होंने चौविहार उपवास किया, उसके बाद पानी का स्पर्श तक नहीं किया। 3 दिन तक यही क्रम रहा। संथारा करवाने के लिए आग्रहपूर्ण निवेदन करती रही। तपस्या की इस अवधि में उनकी मानसिकता में ऐसा पवित्र परिवर्तन आया कि देखने वाले दंग रह जाते। चेहरे की प्रसन्नता और तेजस्विता, आंखों की चमक तथा आत्मशक्ति जैसे सौगुणी बढ़ गई। 4वें दिन सभी साधु साध्वियों की उपस्थिति में उन्होंने साध्वी प्रमुखा श्री जी के सामने दिल खोल कर रख दिया। अतीत में हुई एक एक भूल की स्मृति कर उसकी आलोचना की। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था, जैसे बालक किसी इच्छित चीज को पाने के लिए मचल उठता है, वैसे ही उनका मन चौविहार अनशन के लिए मचल रहा था। कहा, महाश्रमणी जी, लगता है मेरा समय नजदीक आ गया है, आप चिंता न करें, मेरी पूरी हिम्मत है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा, आपकी हिम्मत है पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। आखिर उनकी तीव्र भावना देखकर पूज्य आचार्य प्रवर को अवगत कराया गया। आप श्री की आज्ञा प्राप्त हुई। दोपहर में उनके शरीर की स्थिति अचानक बिगड़ी। साध्वी प्रमुखा श्री जी सूचना मिलते ही
तीव्र गति से सेवा केंद्र पधारी। उनकी स्थिति देखकर 5:15 बजे चौविहार संथारा पचकाया। 6:30 बजे उनके श्री चरणों में संथारा संपन्न हो गया। इच्छा मृत्यु का वरण कर साध्वी श्री प्रमोद सिंह जी ने पंडित मरण प्राप्त किया और नए इतिहास का सर्जन कर दिया। साध्वी श्री पन्ना जी बनी पूर्ण काम, एक दिन का संथारा। वयोवृद्ध साध्वी श्री पन्ना जी गादाना की थी। वे स्वर्गीय मुनि श्री अगरचंद जी की जोड़ायत थी। वे संगनिष्ठ, समर्पित और सरल स्वभावी साध्वी थी। कई वर्षों से लाडनू में स्थिर वासिनी थी। 4-5 दिन की अस्वस्थता के बाद द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा 24 जून 1999 को अचानक स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ी। उचित अवसर व उनकी भावना देखकर साध्वी प्रमुखा सिंह जी ने दोपहर 1:30 बजे उन्हें आजीवन संथारा पचकाया। परम श्रद्धेय गुरुदेव का कृपा संदेश मिला, सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी दिन साय 7:15 पर उन्होंने समाधि मरण प्राप्त किया। साध्वी श्री चंपा जी का चमत्कारिक संथारा, 48 दिन का संलेखना संथारा। साध्वी श्री चंपा जी संगनिष्ठ, आचारनिष्ठ, सेवाभावी और मिलनसार साध्वी थी। इन वर्षों में लाडनू सेवा केंद्र में स्थिर वासिनी थी। आषाढ़ कृष्ण द्वादशी को सायकालीन आहार के पश्चात उनके मन में अचानक संलेखना संथारा कर आत्मकल्याण की भावना जागी। अंतिम मरणांतिक संलेखना की आराधना कर दृढ़ निश्चय कर उन्होंने आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी को उपवास किया। प्रातः साध्वी प्रमुखा सिंह जी जब सेवा केंद्र पधारी तो उन्होंने संथारा पचकाने का अनुरोध किया। आपने तपस्या करने की आज्ञा दी। तपस्या चल रही थी। आषाढ़ शुक्ल दशमी को उन्हें तीव्र ज्वर हो गया। चिंतन हुआ कहीं संथारे के बिना न चली जाऊं। वेदना की तीव्रता में कहीं बेहोशी आ जाए तो सजगतापूर्वक संथारा नहीं कर सकती। साध्वी प्रमुखा जी पधारी। साध्वी जी ने हट पकड़ लिया, निवेदन किया कि उन्हें आहार करना नहीं है, आप चिंता क्यों करती हैं, अनशन पचका कर कृतार्थ करें। उनकी तीव्र भावना देखकर गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन कराया। निर्देशानुसार आपने प्रातः 7:25 पर साध्वी श्री चंपा जी को प्रवर्धमान भाव श्रेणी में यावत जीवन के लिए तिविहार संथारा पचकाया। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी 26/7/1999 के दिन साध्वी प्रमुखा सिंह जी के सानिध्य में सेवा केंद्र की हवेली के नीचे प्रांगण में अनशन अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। यह 13 पंथ के इतिहास में नया पृष्ठ जुड़ा। साध्वी श्री चंपा जी 15 दिन की तपस्या में सीढ़ियां उतरकर चलकर समारोह स्थल पर आई। ओजस्वी भाषण में अपने विचार रखे। संघ, संघपति और साध्वी प्रमुखा सिंह जी का गुणानुवाद किया। कृतज्ञता ज्ञापित की। साध्वी प्रमुखा सिंह जी ने फरमाया, साध्वी श्री चंपा जी ने छलांग लगाई है। शक्ति सामर्थ्य रहते प्रबल वैराग्य भाव से आजीवन अनशन स्वीकार कर अद्भुत धृति और आत्मबल का परिचय दिया है। 26 अगस्त 1999 श्रावणी पूनम रक्षाबंधन के दिन 5 घंटे के चौविहार अनशन में 3:15 पर उन्होंने समाधि पूर्वक पंडित मरण प्राप्त किया। 12 दिन की संलेखना और 36 दिन का संथारा, इस प्रकार कुल 48 दिन की अंतिम आराधना कर उन्होंने अपनी संयम यात्रा संपन्न की। साहसिक संथारा साध्वी श्री सजना जी का 77 दिन का कीर्तिमान। अब मेरी बारी है। साध्वी श्री चंपा जी के संथारे के उपलक्ष में साध्वी प्रमुखा सिंह जी के सानिध्य में अनशन मंगल भावना समारोह की आयोजना। साध्वी श्री नीचे पधारी कार्यक्रम चालू था। उनका संस्तारक बिछौना बिछा हुआ था, उसे खाली देखकर साध्वी श्री सजना जी उस संस्तारक पर सो गई और बोली, अब मेरी बारी है। यह अवगति मिलने पर साध्वी प्रमुखा सिंह जी ने उनसे पूछा, आपने पक्की बारी स्वीकार की है ना? फिर कहा, बारी क्या, लगता है आपने चंपा जी का पक्का साथ कर लिया है। साध्वी सजना जी का जन्म गंगा शहर के राका परिवार में तथा विवाह देशनोक के भूरा परिवार में हुआ। गुरुदेव श्री तुलसी के करकमलों से दीक्षित साध्वी श्री सजना जी भद्र और विनम्र प्रकृति वाली साध्वी थी। उन्होंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ के शासनकाल में
अनशन का कीर्तिमान स्थापित किया। वयोवृद्ध साध्वी सजना जी ने अद्भुत साहस के साथ 26 जुलाई 1999 आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी से तपस्या शुरू की। अनशन की तीव्र भावना थी। बार बार प्रार्थना करने पर पूज्य आचार्य प्रवर को निवेदन कराया गया, आज्ञा प्राप्त हुई। 2 अगस्त 1999 श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन नए वस्त्र धारण किए बिना किसी सहारे के पांवों से चलकर सीढ़ियां उतरी, साध्वी प्रमुखाश्री जी को वंदन की और करबद्ध उनके सामने बैठ गई। साध्वी प्रमुखाश्री जी ने विहसते हुए फरमाया, जैसे कोई दीक्षार्थी नए वस्त्र पहन कर तैयार होकर दीक्षा के लिए आता है, वैसे ही आप तैयार होकर आई हैं। साध्वी श्री जी ने कहा, हाँ, आपकी कृपा से मैं भी अंतिम यात्रा की तैयारी करके आई हूँ। उनकी भावना और दृढ़ता को अच्छी तरह परख कर साध्वी प्रमुखाश्री जी ने पूज्य प्रवर को भाववंदना कर 7:21 पर साध्वी श्री जी को आजीवन तिविहार संथारा पचकाया। अनशन काल में उनका मनोबल निरंतर प्रवर्धमान रहा, शरीर की आभा निखरती रही। साध्वी प्रमुखाश्री जी की पवित्र प्रेरक सनिधि में अनशन का विशिष्ट वातावरण निर्मित हुआ। महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का अत्यधिक पुरुषार्थ, गुरुदेव श्री तुलसी का अदृश्य आशीर्वाद, प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ के कृपापूर्ण संदेश और अथाह ऊर्जा लाडनू में चौथे आर्य जैसी रचना लग रही। साध्वी श्री चंपा जी और साध्वी श्री सजना जी के साथ साथ दो दो संथारे, यह भी इतिहास की विरल घटना। 13 पंथ धर्म संघ के साधु साध्वियों में अधिकतम 75 दिन का रिकॉर्ड है। साध्वी श्री सजना जी ने 77 दिन का संथारा कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। 10 अक्टूबर 1999 को उनका अंतिम समय निकट जानकर साध्वी प्रमुखाश्री जी ने उन्हें चौबिहार संथारा पचकाया। सल्लेखना संथारे के 77वें दिन 2:15 के चौबिहार संथारे में अत्यंत जागरूकता एवं प्रवर्धमान भावश्रेणी के साथ उन्होंने समाधि पूर्वक पंडित मरण प्राप्त किया। साध्वी श्री जी की विवेक पूर्ति, अटूट आस्था और महाश्रमणी जी का असीम अनुग्रह तथा दोनों का अद्भुत तादात्म्य देखने जैसा था। उनकी साधना, आराधना और अंतर्मुखता जितनी प्रभावक थी, लाडनू के श्रावक समाज ने उतने ही प्रभावक ढंग से उनका अंतिम संस्कार किया। उक्त सभी संथारों में परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ युवाचार्य श्री महाश्रमण के विशेष संदेश उपलब्ध हुए। साध्वी प्रमुखाश्री जी ने प्रतिदिन जैन विश्व भारती से सेवा केंद्र पधारकर अनशन की आराधना में लीन साध्वियों को दर्शन दिए, उपासना कराई, स्वाध्याय कराया, अपने हाथ से प्राय उनको जल पिलाया, सेवा की, अंतिम आराधना कराई और सबको पद्य गीतिकाएं बनाकर सुनाई। साध्वी श्री चंपा जी और सजना जी के संथारे की अवधि में जो विशेष प्रसंग उपस्थित हुए, साध्वी प्रमुखाश्री जी के साथ उनके जो रहस्यमय प्रेरक संवाद हुए, वे भी 13 पंथ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गए। कुछ विशिष्ट प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साध्वी समाज अंत इंगी तज्ञ हैं, लाडनू सिद्ध क्षेत्र हैं। यहाँ के अनेक पवित्र आत्माओं ने, चरित्र आत्माओं ने अपनी साधना को सिद्धि तक पहुँचाया है। इसी श्रृंखला की एक देदीप्यमान कड़ी बना साध्वी श्री चंपा जी का संथारा। इस संथारे की अनुमोदना व प्रभावना हेतु साध्वी प्रमुखाश्री जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम मूल ठिकाने वृद्ध साध्वियों के प्रवास स्थल पर आयोजित हुआ। साध्वी प्रमुखाश्री जी ने अपने संबोधन में कहा, हमने सुना है कि पूज्य आचार्यवर महाप्रज्ञश्री ने टोहना मर्यादा महोत्सव के अवसर पर एक चिंतन प्रस्तुत किया है कि हमारे अन्य सेवा केंद्र राजल देसर, श्री डूंगरगढ़ व बिदासर, ये सब नीचे हैं, सीढ़ियाँ नहीं हैं, लेकिन लाडनू सेवा केंद्र ऊपर हैं। सेवाभावी साधियों को श्रम अधिक होता है, जितना पानी ऊपर चढ़ाते हैं उतना ही नीचे उतारना होता है, अतः वहाँ सेवार्थी साधियों को कम कर देना चाहिए। यह चिंतन उस समय केवल चिंतन बनकर रह गया था, लेकिन हमारी वृद्ध साधियों ने उस चिंतन को क्रियान्विति तक पहुँचाया। पूज्य आचार्यवर को हमारे बारे में कुछ सोचना पड़े उससे पूर्व ही
हमारी साध्वियों ने अपने प्रस्थान की तैयारी कर ली। कितनी साध्विया दिवंगत हो गई। महाश्रमणी जी की यह बात सुनते ही तत्र स्थित एक साध्वी जी ने कहा, महाराज आपका साध्वी समाज अंत इंगितज्ञ है, बिना कहे ही गुरु की इच्छा को समझ लेता है, उदास क्यों। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने अनशन व्रत आराधिका, साध्वी दय, साध्वी श्री चंपा जी व साध्वी श्री सजना जी से सुख पृच्छा की, उपासना में विराजित हुई। साध्वी श्री सजना जी ने महाश्रमणी जी के मुखारविंद की ओर झांकते हुए कहा, महाराज आपके ठीक तो हैं, आज चेहरा उतरा हुआ क्यों है। महाश्रमणी जी ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, पर आप लोगों ने एक के बाद एक जो जाने की तैयारी कर ली, इसलिए सिद्ध भगवान से लो लगवा लो। साध्वी श्री चंपा जी के सलेखना संथारे का 10वां दिन था। साध्वी प्रमुखा श्री जी सेवा केंद्र पधारी। सुख पुच्छा के साथ उन्होंने पूछा, चंपा जी महाराज के ध्यान स्वाध्याय का क्रम कैसे चलता है, क्या ध्यान कायोत्सर करती हैं। साध्वी श्री चंपा जी ने निवेदन किया, महाराज सिद्ध प्रज्ञा जी करवाती हैं, मेरा क्रम ठीक चल रहा है। तब महाश्रमणी जी ने कहा, सिद्ध जी इनकी सिद्ध भगवान से लो लगवा दो, ऊपर जाकर दर्शन करने आना। सुबह का समय आकाश बादलों से घिरा हुआ था, भीनी भीनी फुहारें चल रही थी। बीच बीच में फुहारें रुकी तो साध्वी प्रमुखा श्री जी सेवा केंद्र पधारी। साध्वियों ने साध्वी श्री सजना जी से कहा, देखो सजना जी आपको कितो बड़ो भाग है कि महाश्रमणी जी इसे मौसम में भी आपने दर्शन देने वास्ते पधारिया हैं। साध्वी श्री सजना जी ने कहा, महाराज रो के कहनो, आरी तो माँ पर बहुत ही कृपा है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा, हम आपको दर्शन देने नहीं अपितु आपके दर्शन करने आए हैं। साध्वी श्री सजना जी ने कहा, नहीं महाराज दर्शन तो मैं करा हाँ आपरा। महाश्रमणी जी ने कहा, यह बात तो हम तब मानेंगे जब आप ऊपर जाकर दर्शन करने आएगी, पहले मैं। साध्वी श्री चंपा जी के सलेखना संथारे का 26वां दिन और साध्वी श्री सजना जी के सलेखना संथारे का 11वां दिन। साध्वी प्रमुखा श्री जी पंचमी समिति से सीधे वृद्ध साध्वियों के ठिकाने पधारी। कुछ देर उपासना करवाने के पश्चात सुगणा खमावीए तजखार, आराधना की ढाल सुनाई और पानी का प्याला साध्वी श्री चंपा जी को दिया। उन्होंने कहा, पहला सजना जी को दिलाए। साध्वी श्री सजना जी ने कहा, पहले चंपा जी को दिलाए। इस प्रकार दोनों में मनुहार होने लगी। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने विनोद की भाषा में कहा, यहाँ तो ठीक है पर ऊपर जाकर यह नहीं कहना कि पहले मैं दर्शन करने जाऊंगी, पहले मैं दर्शन करने जाऊंगी। सारा माहौल मुस्कान से भर गया। ओज आहार। साध्वी चंपा जी के संथारे का 30वां दिन व साध्वी श्री जी सजना जी के संथारे का 15वां दिन। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने सुख पुच्छा के पश्चात आराधना के कुछ गीत सुनाए। अपने हाथों से दोनों को उदक पिलाया। जल पिलाते हुए आपने कहा, अभी तो इन लोगों के लिए यही आधार है। वृद्ध साध्वी श्री केसर जी उपात में बैठी थी, उन्होंने कहा, महाराज ये जल तो इनके लिए अमृत का काम कर रहा है। श्रावक ख्याली लाल जी ने कहा, महाराज इनके लिए तो यह ओज आहार है, भरपूर ऊर्जा मिल रही है। देवता का आयुष्य कितना। साध्वी श्री सजना जी के संथारे का 35वां दिन। महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री जी प्रातः दर्शन देने पधारी, कुछ देर उपासना करवाई। बातचीत के प्रसंग में उन्होंने पूछा, सजना जी महाराज बताओ देवलोक का कम से कम आयुष्य कितना है। साध्वी श्री सजना जी ने तपाक से उत्तर देते हुए कहा, महाराज मुझे स्वर्ग देवलोक नहीं चाहिए। महाश्रमणी जी तो आपको क्या चाहिए। साध्वी श्री सजना जी मुझे तो मोक्ष चाहिए। महाश्रमणी जी देखो सजना जी महाराज अभी यहाँ से तो सीधा मोक्ष मिलेगा नहीं, पहले तो स्वर्ग जाना ही होगा। देवलोक का कम से कम आयुष्य है 10,000 वर्ष, फिर आप 26 देवलोकों में जिस देवलोक में जाएगी वहाँ का जितना आयुष्य काल है उतने समय तो वहीं रहना होगा। साध्वी श्री सजना जी हाँ वह तो रहना ही होगा। महाश्रमणी जी वहाँ जब तक रहेंगी
तब तक तो संघ की सेवा करनी है। सारदीसी सजना जी वो तो करनी ही है। तिर्यंच की घाटी, लाडनू जैन विश्व भारती के प्रवास के दौरान साधवी प्रमुखा श्री जी प्राय प्रातः वृद्ध साधवियों के प्रवास स्थल पर पधारती। अनशन आराधिका साधवियों के मनोबल व आत्मबल को पौष्टिकता प्रदान करती। साध्वी श्री सजना जी के साथ रोचक मथुर व प्रेरक प्रश्नोत्तर चलते। एक दिन आपने साध्वी श्री सजना जी से पूछा, बताओ नवघाटी कौन सी है? आपके वह तो पार हो गई। सजना जी ने एक वाक्य में उत्तर देते हुए कहा, महाराज वह तो तिर्यंच की घाटी है, मुझे तो जन्म मरण की सभी घाटियां पार करनी है। उनका जागृत विवेक और भव विराग वास्तव में विस्मयकारी था। 84 का चक्कर काट दिया। साध्वी श्री सजना जी के संथारे का 42वां दिन था। उन्होंने उम्र के 84 वर्ष पार कर लिए थे। 85 वर्ष में शुभारंभ था। साध्वी प्रमुखा श्री जी सुबह के समय सेवा केंद्र पधारी, उपासना कराई। उन्होंने कहा, साध्वी श्री सजना जी आपने तो 84 का चक्कर काट लिया। साध्वी श्री सजना जी, महाराज कहाँ काट दिया, 84 का चक्कर तो उस दिन कटेगा जिस दिन मुक्ति हो जाएगी, कोई चाह नहीं। साध्वी प्रमुखा श्री जी साध्वी सजना जी को उपासना आराधना करवा रही थी। अनेक भाई बहने भी उपस्थित थे। आपने कहा, राजा रावण की 3 इच्छाएं थी, सोने में सुगंध भरना, आकाश में सोपान लगाना, पाताल का मार्ग बनवाना, पर वे 3 इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। इतने में साध्वी श्री सजना जी बोली, मेरी तो कोई इच्छा शेष नहीं है, कोई चाह नहीं है, गुरु कृपा और आपके सहयोग से मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। संथारे में केस लुंचन, संवत्सरी महापर्व सामने था। साध्वी श्री सजना जी का संथारा चल रहा था। साध्वी श्री ने महाश्रमणी जी से निवेदन किया, महाराज मेरा लोच कब करवाना है? साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा, शरीर की ऐसी स्थिति है, संथारा चल रहा है, आपकी मर्जी हो तो आप फारिक विधि से लोच करवा दें। साध्वी श्री सजना जी ने सजोस भाषा में कहा, नहीं महाराज, मुझे तो मूल विधि से ही लोच करवाना है। आखिर संथारे के 49वें दिन दृढ़ मनोबल व अतुल आत्मबल से कायोत्सर्ग की मुद्रा में साध्वी श्री सजना जी ने केस लुंचन करवाया। लुंचन समाप्त होते ही उन्होंने कहा, अब मैं हल्की हो गई हूँ। जिस संघ में ऐसे तपस्वी व धृति संपन्न साधु साध्विया होती हैं, उसकी नींव कौन हिला सकता है? इतनी सराहना क्यों? संथारे का 50वां दिन महाश्रमणी जी वृद्ध साध्वियों के प्रवास स्थल पर पधारी। साध्वी श्री सजना जी को संबल प्रदान करते हुए आपने कहा, देखो सजना जी, आज अर्धशती पूरी हो गई है, आपके पास अनेक लोग आते हैं, आपकी प्रशंसा व सराहना करते हैं, पर आपको किंचित मात्र भी अहम भाव नहीं लाना है, बड़प्पन की भावना नहीं लानी है। उस समय महाश्रमणी जी के एक और भाई बैठे थे, दूसरी और बहनें बैठी हुई थी। महाश्रमणी जी ने उनको संबोधित करते हुए कहा, देखो संतारा साहस का परिचायक है, उसमें भी लोच अति साहसिकता का कार्य है, जो साध्वी श्री सजना जी ने कर दिखाए हैं। हमने अपवाद विधि की बात कही, पर इन्होंने अस्वीकार कर दी। आधुनिक साधु साध्वियों के लिए यह एक विशेष प्रेरणा है। इतने में ही साध्वी श्री सजना जी ने कहा, महाराज आप हमारी इतनी सराहना क्यों करो? आप ही तो अभी फरमायो कि प्रशंसा सुन मन में नहीं लाणो, सुनन किसे ही कोने में आ जावे तो। महाश्रमणी जी ने कहा, आपका कहना उचित है, पर हम तो प्रमोद भावना से कर्मों का निर्जरण कर रहे हैं। अध्यात्म निष्ठा और गुरु निष्ठा से ओतपोत्र ऐसे संवाद खास आम सभी के लिए प्रेरणापद है। तेरा पंथ धर्म संघ को अतिशय महिमा मंडित करने वाला है। ओम अरहम।